के कलर्स और फिटिंग गेम चेंजर्स है, सो अगर आप पतले लड़के हो तो ये कलर्स एंड ये फिट आप पर बेस्ट रहेंगे। ये टी शर्ट आपको अवॉइड करना है, इसमें आपकी चेस्ट अंदर धसी हुई लगती है। राइट एक्सेसरीज गेम चेंजर है, बड़े डायल के वॉचेस आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इतने पतले हो एंड आपका वेट नहीं बढ़ रहा। Hey bros, what's up? ये वीडियो मेरे स्किनी भाइयों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग स्टाइलिंग टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप काफी हद तक आपके दुबले पतले लुक को और भी मस्कुलर बना सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक बोनस टिप भी है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको मिस कर दिया ना तो बाद में पछताओगे। नंबर वन, लेयरिंग। लेयरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है हम पतले लड़कों के लिए। इसकी मदद से आप आउटफिट्स में टेक्सचर एंड बल्क ऐड कर सकते हो एंड लेयरिंग हमारे बॉडी को वेल शेप्ड दिखाता है। सो अब से आप कपड़ों को लेयर कर पहनो। जिनको पता नहीं है लेयरिंग किसे कहते हैं, तो भाई इसमें आपको आपके कपड़ों को लेयर कर पहनना होता है। लाइक पहले आप टी शर्ट पहनोगे, देन उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू ओकेजन शर्ट, स्वेटर, जैकेट या ब्लेजर पहनते हो एंड उसके नीचे पैंट। ये बेसिक लेयरिंग है, इसमें और भी चीजें आते हैं लेकिन अभी आप इसमें न्यू हो तो इतना काफी है। लेयरिंग पतले लड़कों के लिए बहुत मैटर करती है एंड इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन आपको बस ये 3 रूल्स याद रखना है लेयरिंग करते समय। रूल नंबर 1, स्टार्ट विद बेसिक। आपको हमेशा सबसे पहले एक प्लेन टी शर्ट पहननी है। आप टी शर्ट के बजाय शर्ट भी टाइट कर सकते हो लेकिन अगर आप न्यू हो लेयरिंग में तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करो, बेसिक ही रहने दो। टी शर्ट आपकी वेल फिटेड होनी चाहिए, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा फिट, इससे आपका आउटफिट में स्लीक लुक आएगा। रूल नंबर 2, वेयर थिक मटेरियल। टी शर्ट के बाद उसके ऊपर आपको थिक फैब्रिक पहनना है। इसमें आप शर्ट, हुडी, जैकेट कुछ भी पहन सकते हो जो आपके टी शर्ट के फैब्रिक से ज्यादा थिक होगा, इससे आपके आउटफिट में बल्क एंड टेक्सचर्स ऐड होगा। रूल नंबर 3, कलर कॉम्बिनेशंस। आपके पास बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं जब आप लेयरिंग करते हो, तो इसलिए आपको ऐसे कलर साथ में पेयर करना है जो आपके आउटफिट को और भी अच्छा दिखाए। पतले लड़कों पर कौन से कलर बेस्ट होते हैं ये टॉपिक 4th पॉइंट में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखना। सो ये 3 मेन रूल्स है लेयरिंग के। ओवरऑल लेयरिंग पतले लड़कों के लिए बहुत स्टाइलिश ऑप्शन है क्योंकि इसमें आप फैशनेबल दिखने के साथ साथ आपका बॉडी शेप भी अच्छा एंड मस्कुलर लगता है। नंबर 2, एक्सेसरीज। एक्सेसरीज हमारे आउटफिट्स में बहुत मेन रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारे लुक्स को एनहांस करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं कुछ भी छपरी पहनकर, लाइक हैंडबैंड्स, ऐसे चेन्स, रिंग्स। इसमें हमको जितना हो सके उतना सिंपल एंड सोबर रखना है एंड पतले लड़कों को सिर्फ स्लिम एक्सेसरीज ही पहनना है बिकॉज राइट एक्सेसरीज गेम चेंजर है। बड़े डायल के वॉचेस आपको अवॉइड करना है क्योंकि पतले रिस्ट पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बदले आप स्लीक नॉर्मल डायल के वॉचेस पहनो एंड नॉर्मल रिंग्स, स्लीक चेन एंड ऐसे टाइप की ब्रेसलेट पहन सकते हो, ये दिखने में काफी एस्थेटिक लुक देते हैं। शूज भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, सो आपको ऐसे चंकी स्नीकर्स अवॉइड करना है, उसमें आपके पैर बहुत पतले लगेंगे। आप हाई टॉप शूज या स्नीकर्स पहनो, ये स्किनी लड़कों पर बहुत स्टाइलिश लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। नंबर 3, वियर पैटर्न्स एंड प्रिंट्स। इस टाइप के क्लोथ्स स्किनी लड़कों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ऐसे पैटर्न्स के क्लोथ्स एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे आप और भी ज्यादा ब्रॉड एंड मस्कुलर लगते हो। सो अगर प्लेन शर्ट एंड टी शर्ट पहनते हो तो उसके साथ साथ आप पैटर्न्स भी ऐड कर लो। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, बोल्ड प्रिंट्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ये आपके लुक्स को काफी बेहतर बनाएंगे। एंड हाँ, इसमें आपको वर्टिकल लाइंस के पैटर्न्स नहीं पहनना है क्योंकि ये आपको वर्टिकली डिवाइड कर देता है जिससे आप और भी ज्यादा पतले और लंबे दिखते हो। नंबर 4, वेयर राइट कलर्स। आपको ऐसे कलर्स पहनना है जो आप पर सूट हो एंड आपको स्किनी ना दिखाए। आपको आउटफिट्स में कलर कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। अब पतले लड़कों पर कौन से कलर सूट होंगे, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते, सो ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस लाइट कलर्स ज्यादा प्रेफर करना है। लाइट कलर्स में आपका आउटफिट मोर रिलैक्स्ड एंड कैजुअल वाइब देता है। कलर्स लाइक व्हाइट, बीच, लाइट ब्लू, ये बेस्ट ऑप्शन है शर्ट या टी शर्ट में। इसके साथ आप कोई भी डार्क पैंट्स पहनोगे, ओवरऑल इससे आपके आउटफिट में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा जिससे आपका बॉडी प्रोपोर्शन बैलेंस दिखेगा। नंबर 5, फिटिंग। आप जो पहनते हो उसकी फिटिंग बहुत मैटर करती है। आप कितना भी अच्छा आउटफिट पहन लो, अगर वो बहुत ज्यादा टाइट या लूज होगा तो जितने आप पतले हो उससे कहीं ज्यादा पतले दिखोगे। टॉपवेयर में आपको बहुत ज्यादा टाइट स्लिम फिट टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट एंड ऐसे बहुत ज्यादा ओवरसाइज टी शर्ट अवॉइड करना है। इसमें आपके आर्म्स और भी ज्यादा पतले लगते हैं एंड वी नेक में आपकी चेस्ट अंदर धसी हुई दिखती है जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बजाय आप रिलैक्स फिट टी शर्ट पहनो या फिर पोलो, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। आप ओवरसाइज टी शर्ट भी पहन सकते हो लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवरसाइज नहीं होनी चाहिए, ऐसी पहन सकते हो। एंड सेम बॉटम वेयर में स्किनी जींस एंड बहुत बैगी पैंट्स भी अवॉइड करनी है, इसमें आपकी लेग्स और भी पतले लगते हैं। इसके बजाय आप रिलैक्स फिट पैंट्स पहनो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
स्टे मोटिवेटेड, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे भी हो, दुबले, मोटे, काले, गिड्डे, लंबे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद में ही बेस्ट हो। फिलहाल दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सो ज्यादा ये मत सोचो कि मेरे लुक्स ऐसे हैं लोग क्या सोचेंगे। बस मोटिवेट रहो, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी रहो, खुद का बेस्ट वर्जन बनो। डेली एटलीस्ट 45 मिनट्स का वर्कआउट करो, जितना हो सके उतना मास्टरबेशन कम करो। मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने के बाद आपके लुक्स खुद इम्प्रूव होंगे एंड आपके अंदर वो ग्लो आएगा। एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेंगे।